मल्टीपल मायलोमा एल्डरली यानी बूढ़े पॉपुलेशन में होने वाला एक कॉमन कैंसर है। क्या आप जानते हैं कि इस डेडली कैंसर में भी आज के डेट में सही इलाज से एवरेज सर्वाइवल 7 से 10 साल से भी ज्यादा है? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, MBBS MD DM फ्रॉम दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ओंकोलॉजिस्ट हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मल्टीपल मायलोमा नाम की बीमारी के बारे में। और मल्टीपल मायलोमा एक बड़ी उम्र में होने वाला एक कॉमन कैंसर है, और जैसे जैसे हमारी कंट्री में लोगों की एवरेज सर्वाइवल बढ़ रही है, इस बीमारी का इंसिडेंस भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट यदि हम अपनी प्रैक्टिस की बात करें तो हमारी ओपीडी में लगभग हर महीने हम करीबन 2 से 3 नए मल्टीपल मायलोमा के पेशेंट देखते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस बीमारी के बारे में कॉमन जानकारी हो, क्योंकि ये एक कॉमन बीमारी है जिसके इनिशियल सिम्टम काफ़ी सटल होते हैं। तो आज हम मल्टीपल मायलोमा नाम के ब्लड कैंसर के बारे में सबको डिस्कस करेंगे, जैसे कि नंबर 1, मल्टीपल मायलोमा का मतलब क्या है और ये क्यों और कैसे ये बीमारी होती है। नंबर 2, मल्टीपल मायलोमा में सिम्टम्स यानी लक्षण क्या होते हैं और ये इससे पेशेंट पे क्या असर पड़ता है, बीमारी के अगली साइंस क्या होते हैं। नंबर 3, मल्टीपल मायलोमा की बीमारी को पता यानी डायग्नोज कैसे किया जाता है, कौन से टेस्ट डॉक्टर कराता है देखने के लिए कि बीमारी में क्या क्या परेशानी है। नंबर 4, मल्टीपल मायलोमा का आज के ज़माने में यानी 2022 में बेस्ट आइडियल ट्रीटमेंट क्या होता है, क्या क्या टेक्नोलॉजी मल्टीपल मायलोमा में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट, मल्टीपल मायलोमा में बोन मैरो ट्रांसप्लांट का क्या इंपॉर्टेंस है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट कब और कैसे किया जाना चाहिए। और फाइनली, मल्टीपल मायलोमा में आज की डेट में सर्वाइवल यानी प्रोग्नोसिस क्या है। तो आइए फ्रेंड, देखिए करके इन सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल मायलोमा क्या होता है। तो दोस्तों, मल्टीपल मायलोमा एक तरह का ब्लड कैंसर होता है, और ये जान के आपको हैरानी होगी कि एक बीमारी जो बोन, किडनी, ब्लड जैसे ऑर्गन्स को मॉडिफाई करती है, उसका सोर्स ऑफ ओरिजिन प्लाज्मा सेल नाम का एक ब्लड सेल होता है। तो दोस्तों, प्लाज्मा सेल हम सबकी बॉडी में होने वाले एक सेल की पॉपुलेशन होती है जो ब्लड में सर्कुलेट करते हैं और डिजीज से लड़ने की एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। मल्टीपल मायलोमा में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइप का प्लाज्मा सेल अनकंट्रोलेबली डिवाइड होने जाता है, अपनी लाखों करोड़ों कॉपियां बना लेता है, और ये पूरी बॉडी में फैल के विभिन्न ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है। तो एट इट्स रूट, मल्टीपल मायलोमा एक ब्लड कैंसर है, और ब्लड कैंसर के सब टाइप प्लाज्मा सेल की खराबी की वजह से होने वाला एक कैंसर होता है। तो नंबर 2, यदि हम मल्टीपल मायलोमा के सिम्टम्स यानी लक्षणों की बात करें, तो मल्टीपल मायलोमा 4 ऑर्गन्स को मेनली अफेक्ट करता है, जिसका इंग्लिश निमोनिक है स्क्रैब, CRAB, और जो CRAB का मतलब है सी फॉर कैल्शियम, यानी खून में कैल्शियम की मात्रा हाई होना। R मतलब रीनल यानी खून यानी किडनी को डैमेज होना। A यानी एनीमिया यानी हेमोग्लोबिन की कमी होना। और B यानी बोन यानी बोन में छेद होना और बोन में फ्रैक्चर होना। ठीक है, तो लगभग 80-90% पेशेंट में बोन की प्रॉब्लम होती है, लगभग 80-90% पेशेंट में खून की कमी होती है, और लगभग 30-40% में किडनी की प्रॉब्लम होती है, और 10-20% में कैल्शियम की प्रॉब्लमेटिक होती है। तो यदि हम प्रेजेंटेशन की बात करें, तो मोस्ट कॉमनली हमारी कंट्री में जो मेरा एक्सपीरियंस है, पेशेंट बोन की कंप्लेंट लेके आते हैं, जैसे कि क्रॉनिक कमर में दर्द, कंधे में दर्द, हिप्स में पेन। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को कोई माइनर इंजरी से जैसे बॉल लग जाने से या गाड़ी के झटके से फ्रैक्चर हो जाता है, और फ्रैक्चर के बाद बीमारी पता चलती है, और कभी कभी पेशेंट पेन की कंप्लेंट करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली हमारी कंट्री में मल्टीपल मायलोमा बोन पेन या बोन फ्रैक्चर के रूप में प्रेजेंट करता है। इसके अलावा कई पेशेंट में मल्टीपल मायलोमा या तो किडनी डैमेज जो रूटीन ब्लड टेस्ट पर डिटेक्ट होता है उससे पता चलता है, या फिर कमजोरी और थकान जो कि हेमोग्लोबिन कम होने की वजह से होता है उससे पता चलता है। तो मोस्ट कॉमन इसके सिम्टम नॉन स्पेसिफिक और सटल होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि यदि आपको कोई भी सिम्टम स्पेशली बोन पेन की प्रॉब्लम हो तो टाइम से एक अच्छे डॉक्टर को दिखाए ताकि वो टेस्ट करके इस बीमारी का पता कर सके। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मल्टीपल मायलोमा का डायग्नोसिस कैसे होता है। तो मल्टीपल मायलोमा के डायग्नोसिस में बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो पेशेंट को अंडरगो करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट, और इसमें एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसको M-SPIKE या प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस बोला जाता है, जो ब्लड में भी कर सकते हैं जिसको SPEP या सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं, और यूरिन में भी कह सकते हैं इसको UPEP या यूरिन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल है, वो जो एबनॉर्मल एंटीबॉडी बना रहे हैं, उसको हम ब्लड में यूरिन में डिटेक्ट कर सकते हैं, और यदि ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंटर है कि बॉडी में मल्टीपल मायलोमा है। इसके अलावा कुछ पेशेंट जिसमें SPP या UPP नेगेटिव है पर मल्टीपल मायलोमा का डाउट स्ट्रॉन्ग है, उनमें एक दूसरा टेस्ट होता है इसको SFLC या सीरम फ्रीलाइट चेन बोलते हैं। और कुछ मल्टीपल मायलोमा के पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें SPEP और UPP नेगेटिव होते हैं पर फ्रीलाइट चेन नाम का टेस्ट पॉजिटिव होता है,
और इससे भी मल्टीपल मायलोमा को डिटेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा मल्टीपल मायलोमा के पेशेंट में कई टेस्ट किए जाते हैं देखने के लिए कि विभिन्न ऑर्गन्स में क्या क्या डैमेज है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूरिन के टेस्ट देखने के लिए कि किडनी कितनी डैमेज्ड है, किडनी फंक्शन टेस्ट और ब्लड कैल्शियम लेवल देखने के लिए कैल्शियम हाई तो नहीं है, पेट स्कैन और एक्सरे देखने के लिए कि हड्डी में कहाँ कहाँ गांठे हैं और कहाँ कहाँ ट्यूमर फैला हुआ है बॉडी के स्केलेटन के अंदर, और बोन मैरो बायोप्सी देखने के लिए कि आदमी की बोन मैरो जहाँ पे खून बनता है उसके अंदर कितने परसेंट सेल कैंसर के सेल है, ताकि डिजीज को हम स्टेज यानी बता सकें कि डिजीज कितना एडवांस्ड है। इसके अलावा टेस्टिंग के टाइम पे कुछ जेनेटिक टेस्ट भी होते हैं जो हमें बताते हैं कि ट्यूमर कितना फास्ट ग्रोइंग है, कितना एग्रेसिव है, और इन टेस्ट को हम फिश बोलते हैं, जो कि बोन मैरो करते समय डॉक्टर एक स्पेशल सैंपल जेनेटिक लेबोरेटरी में भेजता है जो हमें बताते हैं कि ट्यूमर को कितना फास्ट ग्रोइंग बीमारी है और इसको कितने हैवी ड्रग्स से हमें ट्रीट करना है। तो नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीपल मायलोमा के ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों मल्टीपल मायलोमा एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है। यदि हम बात करें कि मल्टीपल मायलोमा चूंकि ब्लड की बीमारी है इसलिए पूरी बॉडी में फैली हुई बीमारी होती है और इसलिए इसका कोई सर्जरी या रेडिएशन नहीं होता और इसका मेन ट्रीटमेंट दवाइयों से ही होता है। तो दोस्तों यदि हम 20 से 25 साल पीछे जाए तो मल्टीपल मायलोमा का ट्रीटमेंट मेनली कीमोथेरेपी से ही होता था और पेशेंट का प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा नहीं होता था, पर आज की इरा में मल्टीपल मायलोमा का मेन ट्रीटमेंट होता है टारगेटेड थेरेपी। तो टारगेटेड थेरेपी से हमारा तात्पर्य ये है, ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ ट्यूमर में जो जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है उसी को किल करती है और नॉर्मल सेल्स को इफेक्ट नहीं करती, जिसकी वजह से इसके साइड इफेक्ट बहुत माइल्ड होते हैं और इफेक्ट बहुत डीप होता है। और यही रीजन है कि मल्टीपल मायलोमा में आज के दिन सर्वाइवल बहुत लंबा माना जाता है और जनरली 7-10+ ईयर्स का सर्वाइवल इस बीमारी में माना ही जाता है। तो जब मल्टीपल मायलोमा के पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हमारा फर्स्ट ट्रीटमेंट टारगेटेड थेरेपी के बेसिस पे होता है, जिसमें 3 क्लास के टारगेटेड थेरेपी यूज करते हैं। पहली टारगेटेड थेरेपी को हम बोलते हैं इमिड या इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग्स। तो दोस्तों ये कुछ स्पेशल तरह के टैबलेट या कैप्सूल होते हैं जो बॉडी के इम्यून मिल्यू को मॉडिफाई करते हैं ताकि जो मायलोमा के सेल नॉर्मली बोन मैरो में ग्रो कर रहे हैं उनका ग्रोथ अरेस्ट हो जाए, उनकी डेथ हो जाए। तो इसमें अलग अलग तरह की गोलियां हैं, पुरानी जनरेशन की टैबलेट है जैसे थैलिडोमाइड है, मिडिल जनरेशन की टैबलेट है जैसे लेनालिडोमाइड है, और नेक्स्ट जनरेशन की टैबलेट है जैसे पोमालिडोमाइड अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट को बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन की दवाई से शुरू करना है, हम डेफिनेटली पेशेंट्स में एज अप्रोप्रिएट फर्स्ट या सेकेंड जनरेशन की दवाई भी दे सकते हैं शुरुआत में और उससे अच्छा आउटकम भी पा सकते हैं। दूसरी दवाई होती है दोस्तों एक ड्रग जिसको हम बोलते हैं प्रोटियासोम इनहिबिटर। तो प्रोटियासोम पाथवे बॉडी के सेल्स के अंदर एक पाथवे होता है जिससे बॉडी प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय करती है, और देखा गया है कि इस क्लास के ड्रग्स यदि पेशेंट को माइलोमा पेशेंट को दिए जाए तो वो माइलोमा के जो कैंसर सेल है उसमें सेलेक्टिवली प्रोटीन्स को किल करते हैं जिससे कैंसर सेल की डेथ हो जाती है। तो ये भी मल्टीपल माइलोमा के ट्रीटमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स माने जाते हैं। और इसमें भी जनरेशन है, जो सबसे अर्ली जनरेशन का ड्रग है उसे हम बोलते हैं बॉर्डोसोमिब, और नेक्स्ट जनरेशन का ड्रग जो इंडिया में अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं कार्फिलोसोमिब, और उसके आगे का भी जनरेशन ड्रग है जो अंडर डेवलपमेंट है और शायद जल्दी हमारी कंट्री में भी अवेलेबल हो जाए, इसको हम बोलते हैं इक्साजोमिब। तो इंपॉर्टेंट अगेन सेम चीज़ है कि एक अलग एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन में इन ड्रग्स को यूज़ किया जाए, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत में जो लेटेस्ट जनरेशन का ड्रग है वो यूज़ किया जाए, फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स का भी आउटकम इस बीमारी में बहुत ही अच्छा है। और थर्ड इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होती है स्टेरॉइड्स। तो दोस्तों चूंकि मल्टीपल मायलोमा एक प्लाज्मा सेल की बीमारी है, स्टेरॉइड्स बॉडी की इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं और साथ में ऑटोमेटिकली प्लाज्मा सेल जो कि इम्यून प्रोटीन बनाते हैं उनको भी सप्रेस करते हैं। तो ज्यादातर मायलोमा पेशेंट में स्टेरॉइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट का कॉम्पोनेंट है और जनरली ये ड्रग्स टैबलेट फॉर्म में दिए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट मॉडलिटी जो मायलोमा में यूज होती है उसको हम बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। तो दोस्तों इम्यूनोथेरेपी अलग अलग टेक्नोलॉजीज होती है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्यूमर सेल को टारगेट करके किल करने के काबिल बनाती है, और एट प्रेजेंट मल्टीपल मायलोमा में 2 मेन इम्यूनोथेरेपी इस्तेमाल होती है। एक को हम बोलते हैं डायरेटोमिमैब या anti-CD52 एंटीबॉडी। तो दोस्तों डायरेटोमिमैब एक स्पेशल तरह का इंजेक्शन है जो मल्टीपल मायलोमा बॉडी के अंदर जाता है, मल्टीपल मायलोमा के सेल को ढूंढता है और उसके सरफेस से चिपक जाता है, और जब इम्यून सिस्टम इस एंटीबॉडी को डायरेक्ट करता है तो जाके वो ट्यूमर को कैच करके किल कर देता है। तो डायरेटोमिमैब एक बहुत ही इफेक्टिव और पावरफुल थेरेपी है मल्टीपल मायलोमा के लिए। एज ऑफ टुडे हम मेनली उन पेशेंट्स में डायरेटोमिमैब यूज करते हैं जिनमें फर्स्ट लाइन थेरेपी फेल हो जाती है और सेकंड लाइन में बीमारी का ट्रीटमेंट करना है, पर कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें अग्रेसिव और हाई रिस्क डिजीज होता है जिसमें हम फर्स्ट लाइन में भी ये ड्रग यूज करते हैं।
एज ऑफ टुडे ड्रग की मेन लिमिटेशन ये है कि ये कॉस्टली ड्रग है, पर एक्सपेक्टेशन है कि जल्दी ही जेनरिक ट्रीटमेंट आने से ड्रग का कॉस्ट रैपिडली रिड्यूस होने का चांस अच्छा है। दूसरी इंपॉर्टेंट इम्यूनोथेरेपी जो कि बिल्कुल लेटेस्ट और नई मॉडर्निटी है, उसको हम बोलते हैं कार टी सेल या काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल। तो दोस्तों कार टी सेल एक नई इम्यूनोथेरेपी मॉडर्निटी है जो कि अभी इंडिया में बस आनी शुरू हुई है, पर वेस्टर्न कंट्रीज में ऑलरेडी एक दो साल से अवेलेबल है। कार टी सेल थेरेपी में क्या करते हैं, बॉडी के इम्यून सिस्टम के इम्यून सेल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उन्हें एक स्पेशल तरह के वायरस से इन्फेक्ट करते हैं जिससे कि वो इम्यून सेल चेंज हो जाती है और कैंसर सेल को मारने के कैपेबल हो जाते हैं। उसके बाद उनको बाहर डिवाइड करके बॉडी में वापस इंजेक्ट किया जाता है और ये अपने आप पूरी बॉडी में जहां भी कैंसर सेल है उनको फाइंड करके उनको डिस्ट्रॉय यानी किल कर देते हैं। कार टी सेल थेरेपी की मेन दो लिमिटेशन है कि ये ट्रीटमेंट बहुत न्यू है और ये ट्रीटमेंट एट द मोमेंट बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि कार टी सेल्स एज ऑफ टुडे बाहर से इम्पोर्ट करने पड़ते हैं और इंडिया में अवेलेबल नहीं है, परंतु एक्सपेक्टेड ये है कि सून ही ये ड्रग्स इंडिया में भी प्रोड्यूस होने लग जाएंगे और डेफिनेटली ये बहुत ही इफेक्टिव और पावरफुल थेरेपी है। एट प्रेजेंट मेनली ये उन पेशेंट में यूज करते हैं जिनमें टारगेटेड थेरेपी का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है और टारगेटेड थेरेपी फेल हो चुकी है। तो नेक्स्ट उसको बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट मोडालिटी की जो मल्टीपल मायलोमा में यूज होती है जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो दोस्तों बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो मल्टीपल मायलोमा में यूज होता है उसको ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट बोलते हैं, जिसमें बेसिक प्रोसेस ये है कि आदमी का ब्लड निकाल के हाई डोज कीमोथेरेपी दी जाती है ताकि बॉडी में जितने भी सेल है इंक्लूडिंग मल्टीपल मायलोमा सेल एज वेल एज नॉन मायलोमा सेल जो इम्यून सिस्टम के है वो डिस्ट्रॉय हो जाए और जो स्टेम सेल हमने बाहर निकाले फिर बॉडी में वापस इंजेक्ट कर दिए जाते हैं ताकि वो इम्यून सिस्टम को रिक्रिएट कर रहे। तो ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट मल्टीपल मायलोमा के लिए बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी है, पर जब से नई ट्रीटमेंट जैसे टारगेटेड थेरेपीज और इम्यूनोथेरेपीज मार्केट में आई है अवेलेबल हुई है देखा गया है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो कि पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट का हिस्सा माना जाता था उसका इंपॉर्टेंस कम हो गया है और पहले हम बोलते थे कि जो भी पेशेंट की एज 65 से नीचे है उनको पहली बार में बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए ताकि बीमारी इनकी लंबे समय तक कंट्रोल हो जाए, परंतु आज के दिन ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गई है और आजकल ये देखा गया है कि यदि हम ट्रांसप्लांट को अगली बार के लिए डिले करते हैं यानी हमने एक बार मायलोमा का ट्रीट किया मान लो कई साल तक बीमारी दबी रही और फिर जब बीमारी वापस आती है और उस पॉइंट में ट्रांसप्लांट की बात करें तो भी आउटकम कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है इसका रोल मल्टीपल मायलोमा में ग्रेजुअली कम होता जा रहा है और कई लोग मानते हैं कि एज मोर ड्रग गेट डेवलप्ड बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेकंड लाइन से शिफ्ट होकर शायद थर्ड लाइन ट्रीटमेंट बन जाए। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डेफिनेटली इट्स अ ट्रीटमेंट ऑप्शन स्पेशली यंग पेशेंट्स में, हमें सीरियसली सोचना चाहिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में, पर नई टेक्नोलॉजी से इसका रोल डेफिनेटली कम हुआ है और कुछ ही पेशेंट को शायद फर्स्ट लाइन में ट्रीटमेंट यूज किया जाता है। फाइनली वीडियो की कंक्लूजन में हम बात करते हैं कि मल्टीपल मायलोमा की आज की डेट में सर्वाइवल क्या है। तो दोस्तों जो टेक्नोलॉजीज मैंने डिस्कस किया है इन नई ट्रीटमेंट्स की मदद से आज के दिन मल्टीपल मायलोमा एक हाईली ट्रीटेबल और कंट्रोलेबल डिजीज है। तो मल्टीपल मायलोमा के बारे में स्पेशल चीज ये है कि जो जड़ से इलाज या क्योर की बात करें तो एज ऑफ टुडे ओनली कुछ ही पेशेंट है जिनमें ये आउटकम अचीव होता है, पर ज्यादातर पेशेंट में क्या देखते हैं कि हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सालों साल के लिए बीमारी को अच्छी तरह डीप कंट्रोल कर सकते हैं जिसको हम रिमिशन बोलते हैं। तो यदि हम लेटेस्ट डेटा की बात करें तो आज के दिन जो लेटेस्ट डेटा कहता है यदि आज किसी पेशेंट का मल्टीपल मायलोमा डायग्नोज हुआ है तो एवरेज सर्वाइवल 8 से 10 साल या उससे भी ज्यादा माना जाता है यदि पेशेंट को प्रॉपरली बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट मिले। बट वेरी इंपॉर्टेंट जो भी ट्रीटमेंट हमने डिस्कस किया उसमें क्या ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन किस पेशेंट को देना है ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि जिस भी पेशेंट को मल्टीपल मायलोमा का डायग्नोसिस मिले वो एक अच्छे मेडिकल ओंकोलॉजिस्ट से अपना केस डिस्कस करें ताकि उन्हें बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट विद लीस्ट पॉसिबल साइड इफेक्ट्स मिल सके। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मल्टीपल मायलोमा के टॉपिक के बारे में यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली हुई होगी। यदि वीडियो में कोई पॉइंट आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं या आपको किसी समझ में नहीं आई तो स्क्रीन पर डिस्प्ले सोशल मीडिया लिंक्स या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिस्प्ले नंबर से आप हमें संपर्क कर सकते हैं और मैं ट्राई करूंगा कि आपके सवाल का आंसर जल्द से जल्द आप तक मिले। दोस्तों हमारे चैनल का मिशन ये है कि वर्ल्ड का बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट इंडिया के हर पेशेंट को मिलना चाहिए और एज पार्ट ऑफ दिस मिशन हम चाहते हैं कि वर्ल्ड के लेटेस्ट इलाज एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में अपनी लैंग्वेज में हमारे इंडिया के पेशेंट को एक्सेस मिले और वो भी वर्ल्ड का बेस्ट ट्रीटमेंट पाए और बेस्ट पॉसिबल आउटकम पाए। तो हमारे मिशन से हमारे से जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।